नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कतर की गल्फ एशिया कंपनी के बारे में। ये कंपनी कैसी है, क्या इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है, कंपनी के पास हमेशा काम रहता है कि नहीं रहता है, कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसमें जाने में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस कंपनी के बारे में सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं, अगर इस कंपनी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, सारी कन्फ्यूजन दोस्तों आपकी इसमें दूर हो जाएगी। और एक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के रखें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं कि ये गल्फ एशिया कंपनी है जो ये क्या काम कराती है, ये कतर में कौन सा काम कराती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गल्फ एशिया जो है ये कतर में ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट में काम कराती है, ऑयल एंड गैस की ये काम कराती है, उसका बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है उसी में ये काम करती है। कतर में दोस्तों सबसे बड़ा एक मेन क्लाइंट जो है सिटीजेबी, ये सिटीजेबी के अंडर में ये गल्फ एशिया एनएसएच, ये दोनों दोस्तों पार्टनर हैं, मतलब समझ लीजिए कि एक ही कंपनी है। ये लोग, ये कंपनी सिटीजेबी के अंडर में काम कराती है, गैस और ऑयल प्रोजेक्ट है इसका। सिटीजेबी जो कंपनी है, ये क्लाइंट है दोस्तों, इसके अंडर में बहुत सारे, केवल गल्फ एशिया नहीं, बहुत सारे कंपनी काम करा रही हैं। जैसे मान लीजिए एचबीके कंपनी हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो इसके अंडर में काम करा रही हैं। तो दोस्तों, अब सेकेंड बात टॉपिक पे बात कर लें कि क्या गल्फ एशिया कंपनी में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो आपको बता दें कि गल्फ एशिया जो कंपनी है कतर की, नंबर वन कंपनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सैलरी इसमें टाइम से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम, सैलरी का कोई इशू नहीं है इसमें। दोस्तों, इस कंपनी का वांट हमेशा आते रहता है, हमेशा इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका वांट आता है, मतलब समझ लीजिए कि दो महीना, चार महीना, साल में इसका पांच बार, चार बार वांट जरूर जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका इसमें मेन पावर ज़्यादा है दोस्तों, लगभग इसमें 10,000 आदमी वर्कर लोग हैं इसमें काम करने वाले। आपको बता दें दोस्तों कि ये सिविल और मैकेनिकल दोनों का काम कराता है, सिविल का भी कराता है, मैकेनिकल का भी काम कराता है। इसका वांट हमेशा आप लोग को मालूम होगा, इसका नाम भी आप लोग सुना होगा, इसका हमेशा जाता रहता है। सैलरी भी दोस्तों इसमें अभी कतर गवर्नमेंट के हिसाब से, इसमें रूल के हिसाब से सैलरी भी अच्छा खासा लग रहा है इसमें। दोस्तों, अगर हेल्पर की बात करें तो हेल्पर की सैलरी 1,000 रियाल है, और ट्रेड वाले की बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए कारपेंटर हो गया तो 1200 तक है, मेसन हो गया उसका भी 1200-1300 सैलरी है, और अन्य ट्रेड पाइप हीटर वगैरह 1400 तक सैलरी है, फैब्रिकेटर लोग का 1400-1500 तक सैलरी है, बिल्डर भाई लोग का भी थोड़ा और ज़्यादा सैलरी है, 1700-1600-1400 तक सैलरी है इस कंपनी में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी में ओवरटाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें इस कंपनी में ओवरटाइम दबा के चलता है दोस्तों, इस कंपनी का ओवरटाइम को तो पूछिए ही मत, इसमें 2 घंटा 4 घंटा 5-5 घंटा ओवरटाइम इसमें मिल जाता है, इसमें ओवरटाइम का तो बात ही छोड़िए, ओवरटाइम का कोई इशू नहीं है। हाँ, कभी कभार मान लीजिए प्रोजेक्ट थोड़ा डाउन रहेगा तो मैक्सिमम 2-3 घंटा ओवरटाइम इसमें मिलना ही मिलना है, अगर इसका प्रोजेक्ट एकदम रनिंग में है तो इसमें 4 घंटा 5 घंटा तक सैलरी ओवरटाइम, 6-6 घंटा तक मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कंपनी के फूड के बारे में, ये खाना कैसा देता है। तो आपको बता दें दोस्तों, खाना भी इसका ठीक ठाक ही है,
खाना भी अच्छा देता है, क्लाइंट की निगरानी में खाना देता है, खाना भी सही है, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता देता है, लंच में चावल रोटी सब्जी वगैरह जो भी है वो सारा कुछ देता है, शाम को खाना देता है, यानी सुबह नाश्ता और दोपहर को खाना और शाम को खाना। और दोस्तों ये फ्रूट भी देता है खाने के साथ, और दही वगैरह भी देता है, मतलब सारा कुछ जो भी, मतलब खाना में भी कोई इशू नहीं है, खाना भी ये ठीक ठाक देता है। और एक बात दोस्तों आपको बता दें फूड के बारे में, जो भाई वेज खाना चाहते हैं वो लोग के लिए वेज है, जो भाई नॉन वेज खाना चाहते हैं वो लोग नॉन वेज खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि केवल नॉन वेज जिसको मिलेगा नहीं तो वेज ही मिलेगा, दोनों खाना मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, आपको जो मर्जी वो खा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बात कर ले रहे हैं सैलरी के बारे में, क्या ये सैलरी टाइम से देता है कि नहीं देता है। बहुत से भाई लोग कंफ्यूजन में हैं कि सैलरी टाइम से देता है कि नहीं देता है, क्योंकि भाई लोग कोई भी जाता है तो काम करने के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, तो इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है कि सैलरी के बारे में उन लोग को जानकारी ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें तो दोस्तों दोहा कतर में गल्फ एशिया कंपनी 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर में आपके अकाउंट में सैलरी डाल देता है, ये क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग इसका इंटरव्यू अटेंड कीजिए, आप लोग इसमें बिंदास जाइए, पैसा कमाना है तो इस कंपनी में जाइए, आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, कंपनी ये ख़राब कंपनी नहीं है। जो भी भाई इस कंपनी में कहीं भी रहे होंगे, ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये लगभग हर गल्फ में है, आबू धाबी, दुबई और सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत में था दोस्तों, कुवैत में शायद अभी के डेट में शायद बंद हो गया है कि चल रहा है मालूम नहीं, लेकिन बहरीन में कंपनी है, कतर में है, अभी ये फ़िलहाल कंपनी सऊदी अरबिया में है, ये है जिस जिस जगह पे है दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छा खासा चल रहा है। तो हम बात किए हैं दोस्तों कतर की, तो कतर में इस कंपनी के बारे में आपको पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मैं दे दिया हूँ, आप कतर जा रहे हैं इस कंपनी में तो बिंदास जाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप जाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आप लोगों को कुछ मिली होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के दोस्त जो हैं वो लोग को भी पता चल सके और वो लोग कन्फ्यूजन में ना रहें और जा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।